हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ कला के प्रमुख मंदिर, स्थापत्य शैली, उनके निर्माणकर्ता, वर्ष व स्थान डिस्कस करेंगे जो UGC नेट GRF TGT PGT और सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। UGC नेट में के सिलेबस में एक पॉइंट मंदिर का भी आता है जो इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसमें चित्र भी दे के आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछ कर भी आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे और इन मंदिरों के साथ साथ हम आपको उनके चित्र भी दिखाते जाएंगे। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला मंदिर है हमारा लिंगराज मंदिर जो नागर शैली में बनाई गई है। इसके निर्माणकर्ता ययाति केसरी हैं और ये वर्ष 1100 ईस्वी, स्थान भुवनेश्वर। दूसरा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो नागर शैली में बनी है। इनके निर्माणकर्ता अनंत वर्मन चोटगंग देव हैं। इसका वर्ष है 1161 ईस्वी और इस स्थान पुरी। थर्ड है हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर, इसकी नागर शैली में बनाई गई है। इसके निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम हैं और यह वर्ष है इसका 1250 ईस्वी और यह कोणार्क में स्थित है। फोर है हमारा खजुराहो का मंदिर जो नागर शैली में बनाई गई है। इसके निर्माणकर्ता है चंदेल शासक और इसका वर्ष है 950 से 1050 ईस्वी और यह छतरपुर में है। फिर है हमारा कंदरिया महादेव मंदिर जो नागर शैली में बनी है। इनके निर्माणकर्ता विद्याधर हैं और इसका वर्ष है 1030 ईस्वी और स्थान खजुराहो। नेक्स्ट मुड़ेरा का सूर्य मंदिर जो नागर शैली में बनी है। इसके निर्माणकर्ता हैं भीम प्रथम और इसका वर्ष है 1026 से 1027 ईस्वी और यह मेहसाना गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है, जो नागर शैली में बनाई गई है और इनके निर्माणकर्ता है विमल शाह और ये वर्ष है 1100 से 1300 ईस्वी और इसका स्थान है माउंट आबू। नेक्स्ट बात करें कैलाश मंदिर जो द्राविड़ शैली की है। इसके निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम है और इसका वर्ष है 756 से 773 ईस्वी और स्थान है एलोरा। नेक्स्ट दशावतार मंदिर जो नागर शैली की बनी है। निर्माणकर्ता है गुप्तकाल और इसका वर्ष है 5वीं शताब्दी। इसका स्थान है हमारा ललितपुर। नेक्स्ट की बात करें एलिफेंटा के गुहा मंदिर जो बेसर शैली में बनी है। राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया है और इसका वर्ष है 800 ईस्वी, स्थान है महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा मामल्लापुरम का मंदिर जो पल्लव वंश की मंदिर मानी जाती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है सोर मंदिर जो द्राविड़ शैली की बनी है। इनके निर्माणकर्ता नरसिंह वर्मन प्रथम है और वर्ष है 680 ईस्वी और स्थान है महाबलीपुरम। फिर नेक्स्ट है कैलाश मंदिर जो द्राविड़ शैली की बनी है। निर्माणकर्ता नरसिंह वर्मन द्वितीय है और ईस्वी है 705 ईस्वी, स्थान है कांचीपुरम। फिर हम बात करें वैकुंड पैरुमल मंदिर की, ये भी द्राविड़ शैली की है। निर्माणकर्ता नंदी वर्मन द्वितीय है, वर्ष है 700 ईस्वी और स्थान है कांचीपुरम। नेक्स्ट हमारा बृहदेश्वर मंदिर जो द्राविड़ शैली में बनी है। इनके निर्माणकर्ता राजराज प्रथम है और वर्ष इनका 1000 से 1010 ईस्वी, स्थान है तंजौर। ये चोल वंश से संबंधित बृहदेश्वर मंदिर है। फिर हम नेक्स्ट बात करें गंगईकोंडा चोलपुरम की, ये भी चोल वंश की है जो द्राविड़ शैली को समर्पित है। इनके निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम है और यह 1035 ईस्वी में बनी और इसका स्थान है अरियालूर। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट मीनाक्षी मंदिर जो द्राविड़ शैली की बनी है। इसके निर्माणकर्ता पांडेवंशी हैं, वर्ष है 1400 ईस्वी और स्थान है मदुरई। अब हम आपको इन मंदिरों के चित्र भी दिखाते जाएंगे और साथ ही साथ उनके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट है लिंगराज मंदिर। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिंगराज मंदिर की स्थापना 1100 ईस्वी में हुई। यह कलिंग शैली की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है कलिंग शैली की और यह शिव को समर्पित है। यह मंदिर के जो बाहरी भित्ति है उस पर अष्टदिक्पाल बनाए गए हैं और इन मंदिरों के बाहरी दीवारों में 3 तोरण द्वार बनाए गए हैं जिनमें से सिंह द्वार अत्यंत भव्य और आकर्षण है और देवताओं में सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, अर्धनारीश्वर ये सारी मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। जेम्स फर्गुसन ने इस मंदिर को भारत के विशुद्ध हिंदू मंदिरों के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना है। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा पुरी का जगन्नाथ मंदिर
पुरी का जगन्नाथ मंदिर कलिंग शैली का ही है, परंतु कलिंग शैली की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लिंगराज मंदिर में देखा गया है। अब पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण वर्ष है 1161 ईस्वी। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इन मंदिर को स्वेज शिवालय के नाम से जाना जाता है और यहाँ की मंदिरों की जो मूर्तियाँ हैं जैसे सुभद्रा, बलराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, रामायण, महाभारत और कृष्ण की बाल लीला जैसी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये स्लेटी रंग के पत्थर से बनाया गया है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किन दो शब्दों से मिलके बना है, इसका अर्थ क्या होता है। तो कोणार्क दो शब्दों से मिलके बना है, कोण प्लस आर्क, जिसका अर्थ होता है सूर्य का कोना। यह मंदिर उड़ीसा के अन्य मंदिरों से श्रेष्ठ मानी जाती है। यह मंदिर सूर्य के सप्ताश्व रथ के आकार में बनाया गया है जिसमें 7 जीवंत अश्व इसे खींच रहे हैं। इनके रथ के 2400 पहियों में से प्रत्येक पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को समर्पित है, जिसमें 7 अश्वों में प्रत्येक एक अश्व सप्ताह के एक दिन का प्रतीक माना जाता है। और इसमें यूरोपीय इतिहासवेत्ता इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। UGC नेट में अक्सर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा गया है, तो वो सूर्य मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा गया है। इस कोणार्क के सूर्य मंदिर में एक मान्यता थी कि यहाँ के जो सूर्य का प्रकाश है वो कोण रोग को दूर करता है। हम नेक्स्ट बात करें खजुराहो का मंदिर या चंदेल वंश की मंदिर है जो बुंदेलखंड शिल्प मंडल के अंतर्गत आता है। खजुराहो की सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर जो शिव को समर्पित है और यह मंदिर 64 योगिनी के उत्तर दिशा में स्थित है और यह पंचतायन शैली की भी मानी जाती है। एग्जाम में पूछता है कि पंचतायन शैली में कौन कौन सी मंदिरें हैं उनको चुनिए, तो पंचतायन शैली में कंदरिया महादेव मंदिर को माना जाता है। यह ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। यहाँ पे मिथुन युगल, एक स्त्री मूर्ति, 2 सुंदरियों सहित देवता और देवी, कल्याण सुंदर, नटराज, इन सारी मूर्तियों को उकेरा गया है। अब नेक्स्ट मंदिर की मुड़ेरा का सूर्य मंदिर। मुड़ेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात प्रदेश के सोलंकी वंश की है और इसे भीम प्रथम ने बनाया था। ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि भीम प्रथम ने इनको बनवाया था। और ये जो मंदिर मुड़ेरा का जो सूर्य मंदिर है इसमें नटराज, शेषशायी, लक्ष्मी, शीतला, सप्तमातृकाओं, महाभारत, रामायण, अष्ट दिक्पाल जैसे मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। नेक्स्ट मंदिर की हम बात करें दिलवाड़ा का जैन मंदिर या जैन धर्म को समर्पित है। यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह मंदिर श्वेत पत्थर से बनाया गया है। कई जगह अनेक शब्दों में वर्णन है जैसे कि अंबाजी संगमरमर से बनाया गया है, मकराना मार्बल से बनाया गया है और यह मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिर पर आधारित है। इस मंदिरों के गुंबद में कमल, सिंह, नर्तक, वादक ये सारी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। इस मंदिर के भीतरी 5 मंदिरों का समूह है जिसमें 2 मंदिर महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पहला है विमल वशाही मंदिर, दूसरा है लुवण वशाही। विमल वशाही मंदिर पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और लुवण वशाही 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। अब लुवण वशाही में विद्या देवी, अंबिका, पुष्प, हंस ये सारी गुंबदों में उत्कीर्ण की गई है और विमल वशाही में जैन महामानसी देवी, गज अभिषेक लक्ष्मी, जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का जीवन दृश्य, एक कृष्ण की जल क्रीड़ा, 16 जैन महाविद्या देवी जैसे ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर इन सब की मूर्तियां उकेरी गई हैं। नेक्स्ट है हमारा देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध मंदिर मानी जाती है। यह देवगढ़ के ललितपुर में स्थित है और यह 5वीं शताब्दी की है। ये 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था UGC नेट के। और इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना उत्कीर्ण की गई है और यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान विष्णु के दशावतार को एक ही मंदिर में पिरोया गया है। यहाँ पर रामायण, महाभारत, नर नारायण, शेषशायी विष्णु, गजेंद्र मोक्ष, पंच पांडव, गज लक्ष्मी, यक्षिणी जैसी मूर्ति उकेरी गई हैं। यहाँ पर शेषशायी विष्णु दक्षिणी दीवार पर हैं, नर नारायण पूर्वी दीवार पे और गजेंद्र मोक्ष उल्टी दीवार पर दर्शाए गए हैं।
हम नेक्स्ट मंदिर की बात करें, एलिफेंटा के गुफा मंदिर की। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध हैं त्रिमूर्ति, जो अत्यंत विशाल बनाई गई है, जो 8वीं शताब्दी की है, और यह त्रिमूर्ति 18 फीट ऊंची मानी गई हैं। इसमें शिव के 3 मुख, जिसमें 3 रूप हैं, जैसे पहला है संहारक, दूसरा है पालक, तीसरा है स्त्री रूप। भारतीय मूर्तिकला का ये सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में से एक मानी जाती हैं। यहाँ पे और भी अन्य भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जैसे शिव तांडव नृत्य, गंगाधर शिव, शिव द्वारा असुरों का नाश, शिव पार्वती, अर्धनारीश्वर यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध बनाए गए हैं। शिव पार्वती जिसमें बनाए गए हैं कि पर्वत, इसमें बाएं साइड बनाए गए हैं कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती, और दाएं साइड बनाए गए हैं रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया। अब नेक्स्ट मंदिर की बात करें, माँ मालापुरम का सोर मंदिर। ये पल्लव वंश की मंदिरें मानी गई हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हमारी हैं सोर मंदिर। इसके अलावा यहाँ पे हैं कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जो शैव धर्म को समर्पित हैं। फिर है हमारा वैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये भी पल्लव वंश की है। फिर आता है हमारा बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर हमारा चोल वंश से संबंधित है। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर का जो कलश है, स्तूपिका के रूप में विरूपित की गई है, और यहाँ बाहर से यह बौद्ध धर्म के समान दिखाई देता है। यहाँ पे नंदी, उड़ते हुए घोड़े, शार्दूल एक ही पत्थर के स्तंभ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे नटराज की शिव प्रतिमा, जो सबसे प्रसिद्ध मानी गई है चोल वंश की, जो दक्षिण भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। यहाँ पे इसमें शिव द्वारा काल पुरुष में पर खड़े हुए सृष्टि व प्रलय का तांडव नृत्य करते हुए दर्शाए गए हैं, जिसमें शिव का एक हाथ डमरू, नटराज का एक हाथ डमरू लिए हुए हैं, दूसरा हाथ अग्नि को लिए हुए हैं, और दोनों हाथ उनके अभय और वरद मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो संपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिर समूह में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब नेक्स्ट मंदिर की हम बात करें, गंगईकोंडा चोलपुरम, जो चोल वंश की ही मंदिर है। ये इसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, और यह बृहदेश्वर मंदिर के ही समान मंदिर है। यहाँ पे भी शिव नटराज, गणेश, चंडीकेश, चंडेशानुग्रह शिव, जिसे उमा सहित कहा जाता है, इस मंदिर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी गई हैं। अब नेक्स्ट बात करें मीनाक्षी मंदिर की, जो एक गोपुरम है। यह नायक राजवंश की मंदिर मानी गई है। मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह युगल मंदिर होने के कारण इसे शिव पार्वती मंदिर भी कहते हैं। इसमें सहस्त्र स्तंभ युक्त बनाया गया है। यहाँ की मूर्तियों में ये मूर्ति हमारी मंदिर है, यहाँ की मूर्तियों में हमारी हैं शिव मंदिर, शिव पार्वती। यहाँ पे कुल 9 गोपुरम दर्शाए गए हैं। ये थी हमारी लास्ट मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाती रहूँगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चलें।